आज हम यहाँ अमृतसरी छोले बनाएंगे, वो भी जैन रेसिपी को फॉलो करते हुए। बट यकीन मानिए, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए भी आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा। इस अमृतसरी छोले को आप चावल, पूरी, रोटी या फिर कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमृतसरी छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद चने को एक रात पहले ही सोख करने को रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुका है, अब लोग चलते हैं इसे बॉईल करने की तरफ। चने को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ सारे चने को एक कुकर में ट्रांसफ़र करके इसमें 1 गिलास के लगभग में पानी, नमक, तेज पत्ता, हल्की सी हल्दी कलर के लिए, इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 सीटी लगाएंगे जिससे में चने पूरी तरह से पक जाए। ये देख सकते हैं चना पूरी तरह से पक चुका है और इसके छिलके भी लगभग अलग होने लगे हैं। ये सबसे बेटर साइन है ये देखने का कि चना पका है या नहीं पका है। अब चलते हैं हम लोग छोले के लिए तड़का तैयार करने। अमृतसरी छोले के लिए तड़का बनाने के लिए मैं कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख दिया। तेल के हल्का गर्म होते ही इसमें हम कुछ कुछ मसाले डालेंगे, जैसे सूखी मिर्च, दालचीनी, इलायची। इसे हल्का सॉटे होने देंगे। फ्लेम को लो करने के बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी। पहले हम इसी मसाले को डाल करके हल्का सा भूनेंगे। मसाले के हल्का भून जाने पे इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। टोमेटो प्यूरी यहाँ पे मैं ग्रेवी के थिकनेस के लिए ऐड कर रही हूँ ज़्यादा। इसे अच्छा अच्छे से भून लेंगे। सब्जी में मिर्च और हल्दी डाल देंगे। पहले भूनने से सब्जी का कलर बहुत ही खिल कर आता है। इसे हल्का सा भूनने देते हैं। टमाटर के हल्का सा भून जाने पे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, गोलकी पाउडर। इन सभी को डालकर अच्छे से भूनेंगे। इसे ढक करके तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पे। ये देख सकते हैं टमाटर और मसाले पूरे अच्छे तरह से भून चुके हैं। ये देख सकते हैं ये टमाटर और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसके भून जाने पे इसमें बॉईल किए हुए सारे चने और उसके पानी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का पानी देकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। कस्तूरी मेथी, इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसकी ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये और ये देख सकते हैं ये हमारा अमृतसरी छोले बन करके पूरी तरह से रेडी है। हमारा गर्मा गर्म अमृतसरी छोले बन करके पूरी तरह से रेडी है। इसे खाइए।